हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज का मतलब वीडियो है वो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यूपीपीएससी पीसीएस को जो एसीएफ और आरएफओ पदों की जो एग्ज़ाम डेट है और इसकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। उसी के बारे में आज का वीडियो है कि इसकी लास्ट डेट में क्या है और इसकी स्टार्ट डेट क्या थी। तो इसकी जो एग्जामिनेशन की डेट थी प्री एग्जामिनेशन की वो डेट बढ़ा दी गई है। तो उसी के बारे में दोस्तों आज का वीडियो इस वीडियो में आपको बताएंगे इसके इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर, इसकी सैलरी को लेकर और सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। दोस्तों शुरू करते हैं मैं वीडियो यूपीपीएससी पीसीएस आरएफओ और एसीएफ के बारे में। तो दोस्तों इसकी जो टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 200 पदों पर इसमें भर्ती की जाएगी। इसकी आपकी स्टार्टिंग डेट है वो 21 अप्रैल 2020 थी और इसकी जो लास्ट डेट थी पहले वाली वो 10 मई 2020 थी, लेकिन अब की जो लास्ट डेट इसमें बढ़ा दी गई। इसकी लास्ट डेट आपकी है पेमेंट करने की 2 जून 2020 और इसकी लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने के लिए वो है 4 जून 2020 तक इसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किया तो जल्दी से अभी भी अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। और इसकी अप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए ₹125 फीस मांगी जा रही है, जिसमें से आपकी ₹25 ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी लगेगी, यानी आपकी केवल ₹100 इसमें होगी लेकिन और ₹25 आपकी ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस लगेगी, टोटल आपकी 125। SST के लिए आपके लिए ₹65 फीस लगेगी, हैंडीकैप जो विकलांग हैं उनके लिए ₹25 और सर्विसमैन से रिटायर्ड हैं उनके लिए ₹65 लगेगी। इसके बाद जो पेमेंट करने के लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसकी एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम आपकी 40 साल एज मांगी गई है। इसमें आपकी एज आप ली जाएगी 1/7/2020 यानी 1 जुलाई 2020 से आपकी इसमें एज ली जाएगी। और आपको एज में किसको क्या छूट मिलती है तो SST के लिए 5 साल की छूट मिलती है और OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल के लिए और जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट यानी PH कैंडिडेट है उनके लिए 15 साल की छूट मिलती है। आपकी दोस्तों जॉब लोकेशन है आपकी उत्तर प्रदेश यानी यूपीपीएससी पीसीएस की जो जॉब लोकेशन है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आपको कहीं भी आपकी जॉब दी जा सकती है। इसके बाद दोस्तों इसकी नेम ऑफ पोस्ट की बात करें और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी जो सब रजिस्टर असिस्टेंट की है, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जिसे बोलते हैं, इसके लिए लॉ ग्रेजुएट से होना चाहिए क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी DIOS जिसे बोलते हैं, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। और नेक्स्ट आता है डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर जिसे बोलते हैं रेवेन्यू ऑडिट, इसमें आपको कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट के लिए ग्रेड फर्स्ट के लिए या फिर असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड सेकेंड के लिए, इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए साइंस से डिग्री होनी चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, फिजिक्स से किसी एक सब्जेक्ट से होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए आर्ट सोशोलॉजी से, इकोनॉमिक्स से या फिर आपको होना चाहिए कॉमर्स या फिर लॉ। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, इसमें आपको सोशोलॉजी से डिग्री होनी चाहिए या फिर आपको होम साइंस या सोशल वर्क से डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सीनियर लेक्चरर डेट के लिए, इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर बीएड के साथ में। नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए विथ फिजिकोलॉजी या सोशोलॉजी या सोशल वर्क से, किसी भी में आपका एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है डिजाइनेटेड ऑफिसर या फूड सेफ्टी ऑफिसर, इसमें आपके पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है केमिस्ट्री से होना चाहिए या फिर आपके पास होना चाहिए फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री फूड टेक्नोलॉजी या डेयरी टेक्नोलॉजी से या बायोटेक्नोलॉजी से या ऑयल टेक्नोलॉजी से या एग्रीकल्चर साइंस से, आपके पास बीटेक होना चाहिए या इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास केमिस्ट्री की सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है स्टैटिकल ऑफिसर, इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए विथ मैथमेटिक्स से। नेक्स्ट आता है लेबर इन्फॉर्मेंट ऑफिसर, इसमें आपको बैचलर डिग्री मांगी गई इकोनॉमिक्स या सोशोलॉजी या फिर कॉमर्स या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर आपके पास लेबर रिलेशन या लेबर वेलफेयर, लेबर लॉ या कॉमर्स सोशोलॉजी से आपको पर्सनल मैनेजमेंट होना चाहिए। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो आप जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट 163 सेंटीमीटर मांगी गई है और आपको जो चेस्ट होना चाहिए वो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपको फुलाने पर यानी एक्सपेंशन करने पर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फीमेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट जो होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, आपकी इसमें चेस्ट मांगी है फीमेल कैंडिडेट के लिए 79 सेंटीमीटर 79 और एक्सपेंशन यानी फुलाने पर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं जो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हैं जिसे बोलते हैं आरएफओ के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 163 है हाइट और फीमेल के लिए 150, मेल के लिए चेस्ट 84 है और एक्सपेंशन 5 है, यानी दोनों का सेम है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसकी बात करते हैं
इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन बात करेंगे और इसकी सैलरी। तो सैलरी में बात करते हैं असिस्टेंट कन्वर्टर ऑफ फॉरेस्ट ACF के लिए बात करते हैं। ACF जिसे बोलते हैं, इसमें आपकी सैलरी मिलेगी 15,600 से 39,100 प्लस आपको जो ग्रेड पे मिलेगा 5,400 रुपये पर मंथ। आपको जो वेतन मिलेगा वो 10वें वेतन लागू से आपको मिलेगा। नेक्स्ट आता है RFO यानी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट। इसमें आपकी 9,300 से 34,800 से मिलेगा प्लस आपको ग्रेड पे आपको 48 रुपये पर मंथ मिलेगा। इसमें आपकी 47,600 से 151,100 रुपये तक भी इसमें आपको सैलरी मिल सकती है। आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, आपका प्री एग्जाम होगा, फिर मेंस होगा, इसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम जो होंगे मेंस प्री रिटर्न होंगे, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अब दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें आपकी सारी डिटेल दी हुई है। इसके आप नीचे साइड जाएंगे तो आप इसमें आपका सिलेबस भी दिया गया है, कि आपको सिलेबस आप देख सकते हैं। सिलेबस में भी दिया गया है और यहाँ पर आपके देख लीजिए हाइट दिया गया है कि हाइट कितनी चाहिए, मेल कैंडिडेट के लिए फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पर सारी क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है और आपको कितने क्या नंबर का पेपर आएगा, सारी डिटेल वीडियो में लिखी दिया हुआ है। तो आपको जैसे पढ़ लेना है, इसको डाउनलोड करने के बाद हम इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अपने दे देंगे, तो वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना और आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता तो हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपको कमेंट करके सीधा सीधा आपको सारी डिटेल दे देंगे, तो वहाँ से जाकर आप कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं आप यहाँ पर दिया हुआ है सिलेबस, ये देख सकते हैं अर्थमेट्रिक अलजेब्रा सारी डिटेल में दी गई है। आपको कितने जनरल हिंदी इसमें दिया गया है 150 नंबर, ऐसे 150 नंबर सारी डिटेल में दी गई है। कितने क्या पेपर होने हैं इस नोटिफिकेशन में, आपको सभी अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन में आपको सिलेबस दिया गया हुआ है। तो दोस्तों अगर कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, तो उस कमेंट में आपको सॉल्व कर दूंगा। अगर दोस्तों कोई भी डाउट हो तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा हमको। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो UPPSC का PCS के लिए, RFO और ACF के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।